खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक के सोनापुर ग्राम पंचायत में एक व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता ने लगभग 1000 लोगों के साथ आवश्यक खाद्य सामग्री वितरण किया है। व्यक्तिगत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब संकट ग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। नौकरी गंवाने वाले लोग वित्तीय संकट के सामने खड़े होते हैं। दिन के मजदूर के परिवार की स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। बहुत से लोग अब पेट भर कर खाने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के कारण अपनी रोजी रोटी खो दी। समस्या नहीं था हमारे निजे पर्सनल नाज हार्डवेयर स्टोर हमारे दुकान ओनर आमी एमडी राजू हमारे बाबा मोहम्मद सलीमुद्दीन हमारे दादा मोहम्मद मुन्ना हमारा निजे निजेदर मध्य निजे व्यक्तिगत हिसाब से गरीब लोग चाल डाल आलू एगल सब दिल খুব করি করোনার জন্য খাওয়া দাওয়া খুবই অসুবিধা, তাই আমাদের নিজের তরফ থেকে না ঝাড়ো স্টোর তরফ থেকে আমরা এগুলা কত লোককে দেওয়া হলো আজ কালকে দিয়েছে মোটামুটি ম্যাক্সিমাম 1000 প্লাস টিফিন করেছি, জলের বোতল দিয়েছি। আজকে মোটামুটি 5-6 লোককে দিলাম, অলরেডি এখনো আরো চলছে। আর আমাদের ইচ্ছা যে যতদিন চলবে এরকম ততদিন আমরা লোকের গরিবের সাহায্য করতে থাকবো, এরকম হিসাবে দিতে থাকবো। কি কি দিচ্ছেন আজকে? চাল আর ডাল, চাল আর আলু দিচ্ছি আজকে। আর কালকে আবার টিফিন দেব, আবার দিব গরিবে। কত লোককে দেওয়া হলো আজকে? কত লোক আজকে 600 প্লাস আছে, কিন্তু আরো লোক আসতেছে, আরো লোক যতগুলো লোক হচ্ছে দিতে যাচ্ছে। আপনার নাম? আপনার নাম? এমবি রাজু। আপনাদের রেস্টুরেন্ট নাম কি বলুন? নাজ হার্ডওয়্যার স্টোর सोनापुर। सोनापुर व्यापारी उन लोगों के पास खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि वह कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हुआ है। उनके पिता मोहम्मद सलीमुद्दीन और उनके भाई ने उनके साथ मदद का हाथ बढ़ाया। संकट के बीच चावल दाल और आलू दिए जा रहे हैं। खाद्य सामग्री लेने के लिए लोगों को भीड़ देखने को मिली। उत्तर दिनाजपुर से रंजीत कुमार यादव की रिपोर्ट।